हेलो, मैं आशीष तिवारी स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल असेसमेंट पे। इस चैनल पे आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हर एक अपडेट विद इन मिनट्स दी जाती है। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। आज हम बात करेंगे UPSI रिजल्ट के बारे में कि क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि कल से बहुत सारी चीज़ें वायरल हो रही हैं कि 28 मार्च से आपका DBPST होगा, क्या कुछ चीज़ें हैं, रिजल्ट कब आएगा। इस बारे में हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन वीडियो रहेगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जैसे कल से आपको पता है कि काफ़ी चीज़ें वायरल हो रही हैं कि 28 मार्च से आपका DBPST होने की संभावना है, और ये भी कहा जा रहा है कि किसी कारणवश 5 से 10 दिन ये पोस्टपोन आगे पीछे हो सकता है। लेकिन एक बात बता दें कि आपको पता होगा कि दिसंबर माह के लास्ट में काफ़ी चीज़ें नोटिस वायरल हो रही थी कि 20,000 के लिए एक टीम गठित की जा रही है, ये कुछ चीज़ें। तो अभी देखिए 28 मार्च कहना बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि अभी कोई इसका पुख्ता सबूत नहीं है किसी के पास कि 28 मार्च को ही इसका होगा। ठीक है, एक ऐसे ही फेक वायरल मुझे लग रहा है, जैसा मुझे अनुमान है कि ये फेक वायरल है। दूसरी चीज़, रिजल्ट चांसेस हैं कि 10 मार्च के बाद रिजल्ट आएगा, क्योंकि चुनाव खत्म हो जाएंगे सारी चीज़ें। आपको पता होगा UPTET का फाइनल आंसर की जारी नहीं हो पा रहा है, आज कम उम्मीद है क्योंकि वहाँ से रिजल्ट जारी करने की अनुमति नहीं मिली है। आपको पता होगा आज के पेपर में दिया है। तो 28 मार्च एक स्पेसिफिक डेट कोई नहीं कह सकता कि 28 मार्च को जारी होगा या 5-10 दिन, ये तो वही बात हुआ ना कि 10 मार्च के बाद कभी भी जारी हो सकता है। तो ये अपडेट है, 28 मार्च के पॉइंट पे मत रहिए। अब रिजल्ट में भी 10 मार्च के बाद कभी भी आ सकता है, पहले फाइनल आंसर किया जाएगा फिर रिजल्ट आएगा। तो होप करेंगे वीडियो अच्छा लगा, कोई भी अपडेट आता है जरूर यहाँ पर अपडेट किया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो।